अक्सर अगर सड़कों पर उतरकर कचरा साफ करते दिखाई दे तो भाई आश्चर्य तो होगा, जनता भी एक बार रुक जाएगी कि आखिर अधिकारी को ये क्यों करना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि नगर निगम की ओर से रोड किनारे बेहतरीन सफाई व्यवस्था के लिए 75 लाख रुपए में रोड स्वीपर वैक्यूम मशीनें मंगवाई हैं। 3 मशीनें अलवर आ चुकी हैं। एक मशीन की कीमत 25 लाख रुपए है। बुधवार को निगम के कमिश्नर मनीष कुमार ने वैक्यूम मशीन से सफाई करने का ट्रायल किया। करीब 10 मिनट तक सफाई कर मशीन का जायजा लिया। वैक्यूम से सफाई का ट्रायल करने के बाद कमिश्नर ने कहा कि 3 मशीनें मंगा ली है। ये रोड स्वीपर वैक्यूम मशीनें हैं जिनसे रोड किनारे पूरी सफाई हो पाएगी। यहाँ अभी सफाई कर्मी अपने औजारों से ढंग से सफाई नहीं कर पाते, वहाँ ये मशीनें अच्छे से काम करेंगी। इनमें वैक्यूम लगा है जो मिट्टी और हल्के कचरे को खींच लेता है, इससे पूरी जगह साफ हो जाती है। कमिश्नर ने बताया कि ये मशीन इस तरह बनी हुई है कि 25 से 30 फीट रोड भी आसानी से साफ की जा सकेगी। शहर के बड़े पर आसानी से सफाई होगी। असल में अब तक रोड किनारे आड़े तिरछे निर्माण नालियों के बगल की जगह सहित उन सब जगहों से कचरा साफ कर देगी जहां सफाई कर्मी आसानी से नहीं कर पाते। निगम के पास एक पुरानी मशीन भी है, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। इस बार दीपावली से पहले पूरे शहर को अलग तरीके से साफ किया जाएगा।